Paradise Lost, Book 1, line number round about 315. He called so loud. Fourth speech of Satan. This is your host, lecturer M. K. Bhutta. He called so loud. वो बहुत ही ऊंची आवाज से बोलता है, बुलाता है. कौन? सैटन. दैट ऑल द हॉलो डीप, के तमाम खोखली गहराइयां, गारें ऑफ हेल, जहन्नम की रिसाउंडेड गूंजने लगती हैं. प्रिंसेस, शहजादों, पोटेंटेट्स, ओ ताकतवरों, वॉरियर्स, ओ जंगजुओ, द फॉलोअर, द फ्लावर्स ऑफ हेवन, ओ जन्नत के फूलों, वंस योर्स, एक दफा ये तमाम टाइटल तुम्हारे थे, नाउ लॉस्ट, अब तुम खो चुके हो ये टाइटल. रेबल एंजल्स को कह रहा है सैटन, इनकरेज कह रहा है, कहता है कि तुम आला मर्तबा थे लेकिन अब आला मर्तबा नहीं रहे. इफ सच एस्टोनिशमेंट, क्या ये पजलमेंट, हैरानगी, एज दिस, जैसा कि इस वक्त है तुम पर तारी, कैन सीज, क्या तुम्हें ये एस्टोनिशमेंट, पजलमेंट यूं जकड़ सकती है. एटर्नल स्पिरिट्स, तुम एटर्नल लाफानी रूहें हो, तुम लाफानी एंजल्स, क्या तुम जैसे बुलंद मर्तबा लाफानी एंजल्स को इस तरह की हैरानगी जकड़ सकती है? क्या तुम भी हैरान हो जाओगे? क्या तुम आम कोई कॉमन चीज़ें हो? और हैव यू चूजन दिस प्लेस, या तुम लोगों ने ये जगह चुन ली है? सैटन हैरान है कि उसकी टीम, उसके लोग अभी तक हैरान और परेशान हेल में क्यों पड़े हुए हैं. तो कहते हैं, क्या तुम लोगों ने ये जगह चुन ली है? आफ्टर द ट्रायल ऑफ बैटल, जंग की मेहनत के बाद, टू रिपोज, कि यहाँ आराम किया जाए. योर वेरड वर्चू, तुम्हारी खसूसियात जो थकी हुई हैं, फॉर द ईज, क्या उसके लिए तुम आराम करना चाहते हो? यू फाइंड टू स्लम्बर हेयर, और तुम लोगों ने ये जगह आराम के लिए तलाश की कि यहाँ पर सो जाएं. तुम्हारे अंदर खसूसियात जो हैं थक गई हैं, जंग के बाद तुम लोग थक चुके हो, क्या तुम आराम करना चाहते हो इस जगह पर? एज इन द वेल ऑफ हेवन, जिस तरह तुम जन्नत के मैदानों में आराम किया करते थे. और इन दिस ऑब्जेक्ट पोस्चर, या इस बीवेल्डरमेंट में, बीवेल्डरमेंट इस उजाड़ के अंदर, एब्जेक्ट बिखरा हुआ पोस्चर अंदाज, इस उजाड़ के अंदर, हैव यू स्वॉर्न, क्या तुम लोगों ने अजम कर लिया है, स्वॉर्न, कसम खा ली है, या इस उजाड़ में तुम लोगों ने कसम खाई है, टू एडोर द कंकर, क्या तुमने कसम खाई है कि यू टू एडोर, कि तुम पूजा करोगे, तुम तारीफ करोगे, द कंकरर, उस खुदाए बरतर की जो फातेह है, हु नाउ बिहोल्ड्स, जो देख रहा है, छर्प, किनको? इन चर्प, रेबल एंजल्स को, वो फाते जो इन रेबल एंजल्स को देख रहा है, एंड सेरफ, और इन आला मर्तबा, सेरफ आला मर्तबा एंजल्स को देख रहा है, रोलिंग इन द फ्लड, जो कि इस वक्त आग की नदी में, आग के सलाब में रोल कर रहे हैं, लोट पोट हो रहे हैं. देखिए, डबल एज पैराडॉक्स किस तरह का है. एट द सेम टाइम वो किस कंट्रास्ट दे रहा है उसको, कहता है कि तुम उस खुदाए बरतर फाते की क्या इबादत करना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, क्या उसकी तारीफ करना चाहते हो, जो ऊपर बैठा तुम लोगों का तमाशा देख रहा है. एक तरफ फाते, दूसरी तरफ तमाशा देखने वाला. विद स्कैटर्ड आर्म्स, तुम जो बिखरे हुए ताकतों के साथ, आर्म्स, फौज के साथ यहाँ पड़े हुए हो, एंड इन साइंस, और बिखरे हुए फ्लैग्स, बैनर्स, झंडों के साथ पड़े हुए हो, टिल एनॉन, यहाँ तक के एकदम से क्या होगा, तुम यहाँ पड़े हुए हो, एकदम से क्या होगा, हे स्विफ्ट परस्यूअर्स,
उसके तेज तरीन परस्यूअर्स ताकुब करने वाले फ्राम हेवन जन्नत से, जन्नत के गेट्स से डिसर नीचे उतरेंगे, तुम यहाँ पड़े हो आराम की गर्ज से। लेकिन नुकसान ये होगा एकदम से खुदा अपनी ताकुबी ताकतों को एकदम से भेजेगा तेज़ी के साथ, जन्नत के गेट से डिसर नीचे उतरेंगे, तुम्हें तलाश करेंगे, द एडवेंटेज डिसर्न द एडवेंटेज, और उनको मिलेगा एक मौका क्योंकि तुम तो आराम कर रहे हो, एंड डिसेंडिंग ट्रीट, और वो नीचे उतरते ट्रीट कुचलते अस डाउन, नीचे थस ड्रूपिंग झुकते, वो नीचे उतरते हमें कुचलते आएंगे, और विद लिंक थंडर बोल्ट, या उनके पास बिजली की कड़क होगी थंडर बोल्ट के साथ, गरज चमक के साथ वो नीचे आएंगे, ट्रांसफिक्स अस, और नीचे हमें बांध देंगे, टू द बॉटम, कहाँ, तह में, ऑफ दिस गल्फ, इस आग की नदी में, गल्फ का मतलब आग की नदी करें, इस आग की नदी की तह में हमें बांध देंगे, अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन, जागो उठो या हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ।